फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज मैं आप लोग के सामने आया हूँ और मैं भी अपना विचार रखना चाहता हूँ जो आप अपने बिहार में चल रहा है। मतलब यार क्या हो रहा है? कुछ सोशल मीडिया पर आप चले जाओ, देखो आज मनीष कश्यप ट्रेंड में चल रहे हैं। मतलब एक समय था कि हम सुना करते थे बिहार, आज इतिहास हम पढ़ते हैं बिहार की तो हमें अंदर से वो मोटिवेशन मिलती है कि तो हम बिहार से हैं, हमें गर्व होती है हम बिहार से हैं। बट आज क्या, आज जो कि बिहार इस देश के 28-29 राज्य में आज सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बिहार हो गया है। किसी राज्य को मजदूर चाहिए तो वो बिहार से हैं, बिहार से ही मजदूरी चाहिए। और आज के डेट में बिहार का गवर्नमेंट जो है वो बिहार पे कर क्या रही है? बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे चले जाओ जो कि अपने देश की सबसे लो लेवल पे बिहार चल रहा है, उसके बाद आप गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ, पढ़ाई की क्या शिक्षा रह गई है? पढ़ाई की क्या महत्व रह गई है? 0% पढ़ाई क्या होती है? न टीचर को पढ़ाने की लोड़ है, और टीचर को जो पढ़ाने की लोड़ नहीं है तो बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे? और गवर्नमेंट की तो इससे कोई लेने देने है ही नहीं। और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है अपने बिहार में। आप हर क्षेत्र में जाओ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, या कहीं आप चले जाओ कहीं रोड बन रही, कहीं गवर्नमेंट की बिल्डिंग की कोई काम हो रही, या जैसे अभी फिलहाल में ही खत्म हुआ है जलना, जो कि शायद ही किसी गांव में अच्छे से पानी आता होगा, हमारे गांव में तो पानी आता ही नहीं है, ऐसा है। तो ये क्या हो रहा है? और हाँ, इस पर भी अगर कोई आवाज उठा रहा है, कोई सच बोलने की ताकत रख रहा है तो उसके ऊपर एफ आई आर हो रही है। अभी ट्रेंड में चल रहे हैं मनीष कश्यप जी, उन्होंने उनकी क्या गलती? इस न्यूज को सबसे पहले तो प्रिंट मीडिया ने छापा था और प्रिंट मीडिया बहुत बड़े बड़े मीडिया ने छापा था, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं। बट एक मनीष कश्यप जो भ्रष्टाचार लोगों को आंखों में आंख डाल के बात करने की हिम्मत रखते हैं और बिहार में ग्राउंड लेवल पर जो भी गलत काम हो रही है उसकी विरोध करते हैं, तो आज की जो गवर्नमेंट है उन पर एफ आई आर करा रही है, ये कहाँ तक सही है? ऐसा कब तक चलेगा बिहार? ऐसे बिहार आगे जाएगा? ऐसे बिहार विकास करेगा? यहाँ पे क्या सिर्फ नेताओं की मनमानी चलेगी? लाखों करोड़ों कई सौ करोड़ घोटाले करके नेता तो सुरक्षित हैं, बट कोई एक सच बात बोला तो उस पे FIR पे FIR हो रही। जो बंदा बिहार के हर वो नागरिक के लिए 14 करोड़ बिहार वासियों के लिए आवाज उठाता था, आज उसी पे FIR है और खुद उसने समर्पण किया और जाकर अरेस्ट हुआ और आज वो जेल में बंद है। मतलब ये गवर्नमेंट को क्या तानाशाह की तरह ये काम करेगी? इसको जिसको मन करेगी वो उसको जेल में डालेगी, जिसको मन करेगी उसको आजाद रखेगी? और हाँ, कुछ मीडिया ही हैं जो पत्रकार मीडिया ही हैं वो मनीष कश्यप को गलत बोल रहे हैं। अबे क्या मुझसे कुछ गलत निकलवाना चाहते हो यार? कुछ तो शर्म करो। देखो कि एक बंदा सच बोल रहा है तो उसको सच बोलने का उसका सपोर्ट तो करो, कम से कम तुमसे कुछ नहीं हो रहा है तो उसका सपोर्ट करो, ना कि उसका विरोध करो। यार डूब मरो सालो तुम जैसे पत्रकार लोग। मतलब क्या हो रहा है यार? हर उस नौजवान को आवाज उठानी चाहिए मनीष कश्यप के लिए ताकि उनकी कम जल्दी से जल्दी रिहाई हो सके और वो फिर अपने काम पर वापस लौट सके। खैर कोई नहीं, सच जहाँ होती है उसको परेशानी होती है बट सच पराजय नहीं होती।
और मनीष कश्यप, मैं दावा के साथ बोलता हूँ कि अब जब वो वापस लौटेंगे ना तो पहले से ज्यादा जुनून लगा और पहले से ज्यादा पॉपुलर हुआ करेंगे। और कुछ जो छोटे मोटे पत्रकार हैं वो उनको गलत बोलते हैं, चट्टी छाप बोलते हैं। अबे पहले अपने अंदर झांक के देखो तुम करते क्या हो, कहीं भी ग्राउंड रिपोर्टिंग जाकर तुम कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ नहीं तुम कर सकते हो, सिर्फ तुम यही करोगे मनीष कश्यप को गाली दोगे, जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ तुम्हारे बोलने की औकात नहीं है, कुछ तो शर्म करो तुम लोग। और हाँ, हमारा सपोर्ट है मनीष कश्यप को, देखते हैं कब तक मनीष कश्यप को अंदर रखती है ये गवर्नमेंट, और इसको छोड़ना पड़ेगा मनीष कश्यप को। बस मैं ज्यादा कुछ तो नहीं यही बोलना चाहता हूँ। जय हिंद।